हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल, जी हाँ दोस्तों, स्टडी विद थेरेपी पर। साथियों आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम 2024 वालों के लिए साथियों सब्जेक्टिव, जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। साथियों इसमें 10 सवाल ऐसे है, एक चैप्टर से साथियों उठाया गया है, पहला चैप्टर से उठाया गया ऐसे सवाल है 10, जो लगभग 14 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ, लगभग 14 बार, ध्यान से सुनिए, लगभग 14 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो 2024 के एग्जाम में भी पूरी पूरी संभावना है साथियों की 100% संभावना है ये सवाल आपसे फिर से पूछा जाएगा 2024 के एग्जाम में। दो नंबर में ये सवाल आपसे पूछा जाता है और बहुत बार, लगभग 14 बार जैसा कि हमने बताया ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और 2024 के एग्जाम में आप लोग 90% मार्क्स उठा पाए। तो चलिए फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट, शेयर करके सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास में, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सभी रेडी है आज के प्रश्न को करने के लिए। जी दोस्तों, मात्र 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न ऐसे है जो 14 बार पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए आप लोग, थंब का इंस्पिरेशन देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में और आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा MBBI क्वेश्चंस की बात आज हम करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। जी हाँ, पहला सवाल आपसे पूछा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आपको ये दो पर नहीं जाना है, दो ये अलग से हमने इसमें से MBBI काट कर लाए हैं सवाल को, इसलिए ये दो है। पहला क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत आखिर होता क्या है। देखिए उत्तर में लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा गया है वैसे आपको एग्जाम में हॉल में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत, पहले ये लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोग डैश देना है और लिखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार, ऐसे देना है यहाँ से, किसी विलगित निकाय के भीतर, कहने का मतलब ये एक विलगित निकाय है और इसके भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है। जो भी आवेश है इसके भीतर, प्लस माइनस जो भी आवेश है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, ऐसा प्रयोग आपने बचपन में किया होगा कि जब आप लोग कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जितना धन आवेश कांच पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर भी उत्पन्न होता है। आपने बचपन में एक प्रयोग किया होगा, अपने कक्षाओं में बैठे बैठे जब आप पेन को अपने माथे में घिसते थे तो चुंबक की तरह पेपर को घिंच लेता था अपने में। तो ऐसा होता क्या था कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जितना धन आवेश कांच पर उत्पन्न होता था उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वो आपस में चिपक जाता है। आगे कहता है उत्पन्न होता है, यहां आवेश का कुल केवल पूर्ण वितरण होता है। क्या होता है, पूर्ण वितरण होता है, यह एक सार्वत्रिक नियम है। क्या है, सार्वत्रिक नियम है, यानी सभी जगह यह नियम प्रयोग होता है। तो ये पूरी तरह से आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ये PDF क्लास के बाद आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन क्लास को आप लोग पूरा देखिए क्योंकि आपको क्लास में पूरी तरह से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से रीडिंग करता हूं, फास्टली, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आप लोगों को ऐसे याद करना है, एक गोला बना लेना है जब भी ऐसा सवाल आए और अपने मन में सोचना है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, किसी विलगित निकाय, विलगित का मतलब गोला होता है, किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जितना धन आवेश कांच पर उत्पन्न होता है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर उत्पन्न हो जाता है, यह आवेश केवल पूर्ण वितरण होता है। यह आवेश का क्या है, केवल पूर्ण वितरण कहने का मतलब एक जगह से प्लस माइनस से प्लस की ओर से माइनस और माइनस से प्लस की ओर, इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वितरण कहते हैं। तो यह सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और ये 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 में ये सवाल आपसे पूछेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2024 लिख देता हूँ और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सवाल आपके एग्जाम में MBBI के अंतर्गत है क्योंकि ये सवाल मेरे द्वारा गेस किया गया है और निश्चित रूप से ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर है, आगे चलते हैं फटाफट से। आप लोग स्टडी विद रवि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए,
जितने भी ग्रुप है सभी में एक बार शेयर कर दीजिए। तीन नंबर सवाल यानी दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि दो समान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाओं को दिखाइए। तो दो समान असमान पूछा है यहाँ पे, समान नहीं, क्योंकि समान होगा तो विद्युत बल रेखाएं संभव ही नहीं होता है। तो दो असमान आवेश के बीच विद्युत बल रेखाओं की रेखाओं को दिखाना है। ये सवाल आपको कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पर मिस नहीं करना है। सिर्फ एक अगर चित्र आप बना देते हैं तो इसमें आपको दो नंबर पक्के मिल जाएंगे। जी दोस्तों, दो नंबर एकदम पक्का मिल जाएगा इस चित्र से। तो देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आपको एक धनावेश लेना है और एक ऋणावेश लेना है। एक साइड ये क्या है, धनावेश है, एक साइड ऋणावेश है। और जब भी आपको तीर के निशान देना होगा ये, तो इस साइड से इस साइड यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर। और जब भी यहाँ से निकलते हुए दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, धन से ऋण की ओर होता है। तो ये सवाल आपके बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि दो असमान आवेश के बीच विद्युत बल रेखाओं को दिखाइए। तो ऐसे जब आपको बनाना होगा तो इतने बनाने पर आपको दो नंबर पक्के मिल जाएंगे। ये रहा दूसरा सवाल, दो असमान आवेश के बीच विद्युत बल निकालने का। इतना रेखा अगर खींचते हैं तो आपको दो नंबर आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है कि विद्युत आवेश क्या है, इसके दो गुणों को लिखे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैद्युत आवेश के बारे में लिखेंगे, उसके बाद दो गुणों के लिखेंगे। तो वैद्युत आवेश क्या है पहले उसको समझिए। वैद्युत आवेश कहता है कि वैद्युत आवेश वो भौतिक राशि है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि वैद्युत आवेश रासायनिक राशि नहीं है, क्या है, भौतिक राशि है, जिसके कारण पदार्थ में वैद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके दो गुण निम्नलिखित है, इस प्रकार आपको लिखना है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपको दो नंबर पक्का आपका बिहार बोर्ड एग्जाम देता है। तो पहले वैद्युत आवेश को आप लोग समझ लीजिए पूरी तरह से, कि वैद्युत आवेश वो भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में वैद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसके दो गुण निम्नलिखित है। इस प्रकार लिखकर आपको दो गुण नीचे लिखना है। पहला लिखना है आवेश युगात्मक होते हैं। युगात्मक कहने का मतलब आवेश हमेशा जुटता है, क्या होता है, जुटता है, जैसे 6 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे जुटता है आवेश और संरक्षित होता है। आवेश को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, ये संरक्षित होता है आवेश। एक जगह से दूसरे जगह आप कर सकते हैं, मान लीजिए ये प्लस है और इसे आप माइनस में ले जा सकते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह आप आवेश को वितरण कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन आवेश को नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। ये दो गुण था आवेश आवेश का, वैद्युत आवेश का। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्या दो समविभव सतह काट सकती है। पहला सवाल इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटती। और आगे आपसे पूछा गया क्या दो समविभव सतह काट सकती है। तो सबसे पहले आप लोगों को पहला का आंसर देना है और उसमें क्या लिखना है। पहला लिखना है यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा कहने का मतलब ये अगर हुआ, अगर ये काट दिया तो दो स्पर्श रेखा हो जाएगी। अगर एंगल खींचे तो यहाँ से ऐसे ये एंगल है और ये दो स्पर्श रेखा हो गई। इसलिए क्या होता है, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इस प्रकार अगर हो जाएगा तो वैद्युत बल रेखाओं की उल्लंघन हो जाएगा। तो जब भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो उस बिंदु पर क्या होता है, दो स्पर्श अगर रेखाएं होगी अतः उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो संभव असंभव है, यानी संभव नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि अगर आप इस बिंदु पर हैं
और इस बिंदु पर क्या है, दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, मान लीजिए एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो यहाँ पर हुआ क्या, दो वैद्युत बल रेखाएं हो गई, अलग अलग दिशा हो गया, तो ये संभव नहीं होता है वैद्युत बल रेखाओं के लिए। तो यही बोला कि जो कि संभव बिल्कुल भी असंभव है, यानी संभव नहीं है। तो ये सवाल है, और ये सवाल आपको इतना मात्र इसे हटा सकते हैं आप, तो इतना सवाल है जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये 6 बार एग्जाम में आपके अभी तक आ गया हुआ है। चलिए आगे का इसका आंसर लिखते हैं, सॉरी इतना ही था इसमें, ये कटा हुआ है, इसे आप काट सकते हैं, जैसा कि हमने बताया कि इसको आप हटा सकते हैं, इसका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि वही सवाल आपको बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संधारित्र की किन्हीं दो उपयोग को लिखे। ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संधारित्र की किन्हीं दो उपयोग को लिखे। आप लोगों की स्क्रीन के सामने है दो उपयोग, और ये उपयोग मात्र 2 लाइन में लिख के आ जाना है, और 2 नंबर आपको पूरे पक्के मिल जाएंगे। संधारित्र के किन दो उपयोग को आप लोग कैसे लिखना है, तो उत्तर लिखना है सबसे पहले, ऐसे आपके एग्जाम में कॉपी होता है, ऐसे लाइनिंग होता है, और ऐसे ऐसे रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, और यहाँ उत्तर लिखना है, और उत्तर लिख के ऐसे डैश लिख के नीचे से आपको आंसर लिखना है, इसमें क्या लिखना है आंसर। तो आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे कि संधारित्र के दो उपयोग, ऐसे आप लिखना है कि संधारित्र के दो उपयोग ऐसे देना है और ऐसे करके छोड़ देना है। अगला लाइन में क्या लिखना है कि ऊर्जा संचायक के रूप में पहला उपयोग है संधारित्र का, कि क्या करता है ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा नहीं, ऊर्जा ऊर्जा एनर्जी का संचय करता है, एनर्जी को हास नहीं होने देता है संधारित्र, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में संचायक, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के रूप में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, किसका, संधारित्र का। इसलिए ट्रांसफार्मर में आपको पता होगा ऊर्जा की हास को कम करने के लिए ऐसे ऐसे कोड लगाए जाते हैं जो बहुत सारे पत्तीदार होते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है, ऊर्जा की हास को कम करता है, क्या कम करता है, यानी ऊर्जा संचायक के रूप में काम करता है, कौन, संधारित्र, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, अगर क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि जी हाँ बिल्कुल क्लियर है। फटाफट से वीडियो को शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक जरूर कर ले। चलिए आगे, 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 8 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, कहता है कि आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। चलिए आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं, और एक बार आप लोग खुद से इसको रीडिंग करेंगे। हमारे रीडिंग करने से पहले आपको खुद से इसे रीडिंग करना है कि आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एमबीवीआई है, जितने बार आप इसे स्टार लगा सकते हैं उतना लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड में डायरेक्टली यूं ही पूछ दिया गया कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। चलिए समझते हैं क्या है आवेश का क्वांटीकरण, लिखेंगे उसके बाद आपको लिखना है कि किसी आवेशित वस्तु पर स्थिर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। कहने का मतलब एन एन का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है क्वांटीकरण कहने का मतलब है कि 3.5 ये कभी नहीं आवेश हो सकता है, 2.5 ये कभी नहीं हो सकता, 6.5 ये कभी आवेश नहीं हो सकता। क्वांटीकरण का मतलब ही यही होता है, आवेश जब भी रहेगा तो वो पूर्ण होगा, पूर्ण कहने का मतलब 6 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 2 होगा, इस प्रकार से आवेश रहता है और ये पॉइंट में कभी नहीं रहता, तो क्वांटीकरण कहने का मतलब ही यही है। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट क्वांटिकरण का एकदम क्लियर होगा। क्वांटिकरण का मतलब क्या, 5, 7, 6, 4 इस प्रकार, और 2.5, 6.5 ये बिल्कुल भी नहीं। इससे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके
अपने नोट्स में इसी प्रकार ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। चलिए, इसका फॉर्मूला यह होता है क्वांटीकरण का, चाहे तो आप इसे याद करें, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला भी आप लिख देते हैं तो आपको दो नंबर बिना चेक किए कॉपी ये फॉर्मूला जब भी आपको एग्जामिनेशन में नजर आएगी क्वेश्चंस चेक करने वाले को, तो फटा से ये दो नंबर आपको दे देगा। यही होता है आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत। यहाँ पे आपको लिखना है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक आवेश लिखना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है E का मान, और इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। इतना लिखेंगे आपको दो नंबर आपके एग्जाम में पक्के पक्के मिल जाएगा, कोई भी शक करने की बात नहीं है, क्योंकि ये MBBI सवाल है और बहुत बार आपके एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया है। लगभग जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा था कि 14 बार ये सवाल, जितने भी हमने करा रखा है, 14 बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं छोटा कर देता हूँ, पूरे क्वेश्चंस वन फ्रेम में आ गया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे, 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है, क्या कह रहा है, कहता है कि कूलॉम्ब के नियम की सीमाएँ क्या है। ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कूलॉम्ब के नियम की सीमाएँ आपसे पूछा गया है। चलिए जानते हैं कि क्या है इसकी सीमा। कूलॉम का नियम आपको ये 5 नंबर में भी सवाल पूछा जा सकता है, इसे आप लोग पूरी तरह से याद कर लेंगे। तो पहला सीमा है, निम्नलिखित सीमा लिख के आपको नीचे लिखना है कि यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। बिंदु आवेश कहने का मतलब ये कोई बिंदु है, और इसे आवेश के कहने का मतलब क्या है, पूरी तरह से आप इसे समझिए। ये बिंदु है तो कोई आवेश यहाँ आ रहा है तो इस प्रकार यहाँ से जाएगा, कोई आवेश यहाँ से अगर गया तो इस प्रकार यहाँ से चला जाएगा। तो यानी एक आवेश जब आ रहा है बिंदु की ओर तो दूसरा आवेश जाना चाहिए, तीसरा आवेश अगर आ रहा है तो चौथा आवेश यहाँ से निकलना चाहिए। तो ये केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है। दूसरा पॉइंट है, यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह नियम क्या होता है, केवल स्थिर आवेश के लिए ही लागू होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की ह्रास होती है और ऊर्जा की ह्रास कम करने के लिए स्थिर आवेश पर ही इस प्रयोग को किया जाता है। 3 नंबर पॉइंट कहता है, यह नियम 10⁻¹⁴ एम से मिलीमीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता। ये दूरी जो है साथियों, ये दूरी इसके, और ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, बहुत ही ज्यादा कम हो जाए तो इस नियम को लागू नहीं करता कौन, कूलॉम का नियम। कम से कम थोड़ी दूरी रहना चाहिए इस नियम के लिए, इतनी दूरी अगर रहेगी L लंबाई में तब ये नियम इस पर लागू होता है। तो ये 3 नियम आपके स्क्रीन के सामने है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कुछ देर रुक जाता हूँ। चलिए, आशा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर सवाल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुक्त आवेश आकाश की पराबैद्युतशीलता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखे। जी हाँ, ये भी सवाल आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, MBBI है। तो फटाफट से आप लोग इसको रीडिंग करेंगे कि क्या है पराबैद्युतशीलता, यानी वैद्युतशीलता क्या है मुक्त आकाश की, और इसका फॉर्मूला बताएंगे और उसका वैल्यू कितना होता है ये बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो जानिए क्या है मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता का SI मात्रक फैराडे होता है, फैराडे पर मीटर। ये आपको सबसे पहले याद करके जाना है, क्योंकि ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता का SI मात्रक क्या है, तो फैराडे पर मीटर है। और विमीय सूत्र पूछे तो इनवर्स L^-2 T^4 और A^2। विमीय सूत्र कम चांस रहता है पूछने का, लेकिन आपसे SI मात्रक जरूर पूछेगा। तो ये पॉइंट आपके लिए VVI है, इसे आप याद करके जाएंगे। आगे चले, 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये है, जितने भी क्वेश्चंस है एक बार आप इसे वीडियो के माध्यम से जरूर लास्ट तक देखें, और उसके बाद PDF जब आपको मिलेगा तो आप लोग हैंड राइटिंग नोट्स में आप लोग
बना के रख ले और एग्जाम के दिन जरूर रिवाइज करके जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2024 में इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, मैं वादा करता हूँ, चुपके से वादा करता हूँ कि 2024 में ये सवाल आपके बोर्ड में डायरेक्टली टकराएंगे। तो वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता क्यों? ऐसा क्यों होता है कि वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता? चलिए समझाते हैं आपको कैसे होता है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाँ सर होता है, जल वाष्प, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक और धूल कण होते हैं, बिल्कुल होता है, धूल कण भी होता है, और सूर्य की किरण में यौगिक कणों तथा धूल कण होते हैं, बिल्कुल सूर्य की किरण यौगिक कणों तथा धूल कण से टकराते हैं, बिल्कुल टकराते हैं, इन्हें आयनीकृत कर देते हैं अथवा वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता। कहने का मतलब है कि बहुत सारे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं वायुमंडल में, जब इस पर सूर्य का किरण पड़ता है और जब आपस में ये टकराते हैं, आपस में जब ये टकराते हैं तो ये आपस में आयनीकृत हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं सोलर प्लेट के माध्यम से। आपस में जब टकराते हैं कण तो क्या होता है, चार्ज हो जाता है और ये उदासीन बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने स्क्रीनशॉट, आप इसे ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कहता है कि वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत ये आपके एग्जाम में 2019 में, 2021 में और 2022 में ये सवाल आपके डायरेक्टली एग्जाम में आया है। ये मैं एनालिसिस किया था तब ये पता चला था, और 2019 से पहले भी ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए जानते हैं क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत किसी आवेश पर अन्य अनेक आवेशों के कारण आरोपित परिणामी वैद्युत बल उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगे बलों का सदिश योगफल के बराबर होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, थोड़ी लैंग्वेज इसकी डिफिकल्ट है, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, मैं फिर समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत किसी आवेश पर अन्य अनेकों आवेश के कारण, आप इसे ऐसे समझिए, ये गोला है, और कहता है कि सिद्धांत किसी आवेश पर, ये मान लीजिए आवेश है, प्लस चार्ज है और अन्य अनेकों आवेश ऐसे आप लोग बना लीजिए के कारण आरोपित परिणामी विद्युत बल, परिणामी कहने का मतलब सभी को जोड़ के जो विद्युत बल है उस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगे बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यानी जो आवेश पहले से था वो किसके बराबर होता है, जो भी बल ऐड किया आपने, जो भी ये बहुत सारा आवेश इस पर लगाया, उन सभी बल के बराबर होता है। इस प्रकार इसे समझ सकते हैं, सिंपल सी भाषा में यही और इसी तरीका से आपको समझाया जा सकता है। तो ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, माइंड में घुस गया होगा, अगर नहीं घुसा है तो एक बार आप लोग वीडियो को दोबारा से देखेंगे, रिवाइज कर लेंगे। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी क्वेश्चंस एक फ्रेम में आ गया हुआ है। चलिए आगे 17 नंबर सवाल, सॉरी और है इसमें, और इसमें क्या है आप लोग समझिए। कहता है यदि किसी आवेश क्यों के निकट जैसा कि हमने समझाया, प्लस वहाँ लिया हमने, यहाँ पे क्यों ले लिया, चलिए क्यों के निकट Q1 Q2 Q3 आवेश स्थित हो, यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3 है, आवेश स्थित है, तो Q पर उन आवेशों के कारण वैद्युत बल क्रमशः F1 F2 F3 हो। जैसा कि हमने पहले ही बताया, यहाँ से जो बल लगा ये क्या है, F1 है, F2 है, F3 है, इसे आप मान सकते हैं अपने मन से, जो भी मानना हो। तो आवेश पर क्रियाशील बल कितना हुआ ये आप जानिए। तो जैसा कि हमने बताया, सिंपल सी बात है, जितने भी आवेश है सभी को जोड़ के बराबर कर देना है। क्यू पर आवेश कितना था, बल कितना था साथियों, अपने खुद का बल F था, और जितने भी बल लगा उसको जोड़ना है F1 प्लस
एफ टू प्लस एफ थ्री, इस प्रकार से अनंत अनंत जोड़ता जाना है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा वीवी आई है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे याद कर ले, जरूर याद करें, शेयर करें क्लास को फटाफट से। चलिए चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुण को लिखिए। वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, इसके दो गुण को लिखना है। तो सबसे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में लिखना है। इस प्रकार अगर आप लिखेंगे जिस प्रकार आपके स्क्रीन के सामने ये सवाल है, तो पक्के पक्के दो नंबर आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे और इसे हाइफन दे के यहाँ से लिखना है, स्टार्ट करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र है जिसके किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स बिंदु पर खींची गई और स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युतीय तीव्रता की दिशा बताती है। नहीं समझे तो एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे चक्र है। क्या है वैद्युत क्षेत्र रेखा, क्या है ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है, तो वे चक्र है जिसके किसी बिंदु पर, ये मान लीजिए कोई भी बिंदु है, ये कोई भी बिंदु है, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये अगर स्पर्श रेखा अगर आप इसे खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा, तो जो भी रेखा खींचते हैं उस बिंदु पर वो वैद्युत तीव्रता की दिशा बताती है। सिंपल सी बात है, इसे आप फिगर से हमेशा याद करें, फिगर से जब भी आप इसे याद करेंगे तो हमेशा आपके माइंड में चल जाएगा। चलिए इसके दो गुणों के बारे में बात करते हैं। गुण है, कहता है पहला गुण कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेशित से प्रारंभ होती है, बिल्कुल धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती है। धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती है, ये हमने सेकेंड क्वेश्चन में ही आपको बताया था। धन आवेश से ऐसे निकलेगी और ऋण आवेश में ऐसे आती हुई प्रतीत होगी। जब भी अनंत आपको बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। अगला पॉइंट है कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये भी सवाल हमने पहले ही करा दिया है कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि वहां पर दो अलग अलग दिशा बन जाती है, इसलिए नहीं काटती। 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने। चलिए वैद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे हम बोल सकते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में अभी तक अनुमान लगाया तो साथियों 3 से 4 बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। चलिए लिखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक, मान लीजिए कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी है, और इनके गुणनफल, ये दोस्तों इनके गुणनफल यानी ए और बी के गुणनफल के द्विध्रुव आघूर्ण ही कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, जैसे यहाँ के एग्जाम्पल के रूप में दिया गया था द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण को पी से डिनोट करते हैं और क्यों इसका आवेश है और इसका लंबाई टोटल क्या हो गया, 2L हो गया। तो P बराबर 2QL इसका फॉर्मूला होता है, इसे आप याद करके रख सकते हैं, 2QL इसका फॉर्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण का। कभी कभी ये फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाता है या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। आगे W विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यहाँ पे उल्टा है, विद्युतीय द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका एसआई मात्रक कूलॉम मीटर होता है। एसआई मात्रक इसका क्या होता है, कूलॉम मीटर होता है, ये आप याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक कूलॉम पर मीटर, कूलॉम मीटर होता है, वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। तो ये रहा साथियों टोटल के टोटल जो भी क्वेश्चंस थे 10 या 20,
आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जैसा कि हमने थंबनेल में भी लिखा था कि ये 2024 में फिर से रिपीट होगा और ये 10 साल में 14 बार एग्जाम में ये सवाल आपके पूछा गया है। तो ये था साथियों टोटल के टोटल प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने था। इसका PDF लेना है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो आज की क्लास में कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।